मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। सोडा धीरे धीरे पीना चाहिए या जल्दी से? भैया सोडा तो पीना ही नहीं चाहिए। सोडा पीना तो बहुत ही खराब है। माने जहर पीना चाहते हैं आप? सोडा माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया हुआ पानी। कार्बन डाइऑक्साइड माने जहर। ये शरीर से बाहर निकालने की क्रिया रात दिन शरीर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की। आप पानी में मिला के उसको पिए तो मूर्ख से भी महामूर्ख हैं आप। कुछ गैस की प्रॉब्लम हुई है? और गैस की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करिए। ये नहीं है कि गैस की प्रॉब्लम के लिए और गैस पी लीजिए। आग लगी है और आग लगाएंगे वहां या आग को शांत करेंगे? क्या करेंगे बताइए? ये घर में आग लग गई और आग लगाएंगे या इसको शांत करेंगे? शांत करेंगे तो और गैस क्यों पी रहे हैं? अगर गैस की प्रॉब्लम है उनको तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। एक सूत्र जो भागवत ऋषि ने लिखा, चरक ने भी वही लिखा, आत्रेय ने भी उसको कहा है, काश्यप ने भी उसको कहा है, सारे आयुर्वेद के महान ऋषि इस एक सूत्र पर सहमत हैं, भोजनान्ते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के बराबर है। अर्थात भोजन के अंत में कभी भी पानी ना पिए, पानी के स्थान पर ताक पिए, दूध पिए, फल का रस पिए, पानी कभी भी ना पिए। पानी पीने का समय उन्होंने निर्धारित किया है भोजन के कम डेढ़ तास के बाद पानी पिए। आप कर सकते हैं इस सूत्र का पालन? कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं जरा हाथ तो उठा दीजिए। ओ इधर से बहुत कम हाथ उठे। चलिए जितने हाथ उठे हैं अगर इन्होंने कल पालन इसका करना शुरू किया तो सातवें दिन जब मैं जाऊंगा आप प्लीज मुझे इसके परिणाम बता दें। इतने अच्छे परिणाम आने वाले हैं कि कल से आप इसको शुरू करेंगे और सात दिन लगातार अगर आपने इस सूत्र का पालन किया तो जितने भी आप में से गैस की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको भी जलन होती है, पेट में आग लगती है, गैस्ट्राइटिस जिनको है, एसिडिटी जिनको है, मैं गारंटी देता हूं सातवें दिन सब ठीक होने वाले हैं बिना किसी दवा के, मात्र इतने से सूत्र का पालन करके। दिखाने के बाद पानी नहीं पिए। नारियल का पानी भी वही नियम है। भोजन के तुरंत बाद नारियल का पानी पी सकते हैं क्योंकि उसमें नारियल का गुण है, पानी का नहीं है। नारियल का पानी माने रस, रस की श्रेणी में आता है। जैसे गन्ने का रस, ऊस का रस भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, नारियल का पानी भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, ताक भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, आम का रस भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, संतरे का रस, द्राक्ष का रस, कोई भी रस भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। और कल मैंने बताया था कि रस में भी पानी है तो भी रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। रस में पानी है, मैंने बताया था कि उसमें पानी का गुण नहीं है, उसमें वो फल का गुण है जिसका वो रस बना है। जैसे नारियल के पानी में पानी का कोई भी गुण नहीं मिलेगा, वो जो भी गुण मिलेगा वो नारियल का है। आम के रस में पानी मिलाया है लेकिन उसमें पानी का कोई भी गुण नहीं मिलता, आम का गुण जितना है वो पानी में मिलेगा जो आम के रस में है। द्राक्ष का रस है, इसमें पानी का कोई गुण नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो द्राक्ष का गुण उसमें मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।